अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। तुम्हारी बहुत जरूरत थी वहां पे। ये उन्होंने लगातार मुझे फोन कर रहे थे और मैं उनका फोन नहीं उठा रहा था। क्या बोलता कि नहीं साहब, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। तुम्हारी बहुत जरूरत थी वहां पे। ये बस। दोस्तों हमने अगर हार गया हूँ तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की खयादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह लेकर तुम जिंदगी भर जिए। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो तुम्हें यह एहसास बार बार होता रहेगा। आज इम्तियाज जलील अगर हारा है तो शायद तुम एक बार खुशी मना रहे होगे। मैं जो चाहता था, इम्तियाज जलील यहां से नहीं जीतना चाहिए, उसमें तुम्हें कामयाबी मिल गई होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, संदीपान भूमरे जीतने के बाद भी इतनी सारी मोहब्बत वो लोगों की नहीं पा सकता। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की खयादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक, कोई शक नहीं। तीन हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा। कौम मिल्लत झोली मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शक नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी किन धंधों के अंदर गुजरी है। बस एक ही तकलीफ है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी। हम देखेंगे क्या कमजोरी, हमारे माजिद साहब एमएलए साहब भी बड़ा कोशिश किए, टीम भी होगा। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं। क्वीज डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दिगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दिगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तियाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम नांदेड़। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है डीएमएलटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जीएनएमए, ओटी असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत, 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिम कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टीग्री रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम,
मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।